नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा विधायक कैसा हो। मध्य प्रदेश में इन दिनों ये प्रश्न बहुत खास बन गया है क्योंकि नवंबर में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में विधायक चुना जाता है और विधायक 230 विधायक मिलकर सरकार बनाते हैं, क्योंकि बहुमत जिसका आता है उसकी सरकार बनती है। आम जनता बहुत विश्वास के साथ में, बहुत आस्था के साथ में एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाती है जो उनकी आवाज को मुखर करता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है। सिंगरौली से भाजपा के विधायक इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, रामलल्लू वैश्य जी। आप 3 बार से भाजपा के विधायक हैं और आम जनता में बहुत प्रख्यात हैं और आम जनता को उन पर विश्वास भी है। वैश्य साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका साधना न्यूज मध्य प्रदेश में। जी जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। हम आपसे बातचीत करेंगे, कुछ आपका जो लंबा अनुभव है राजनीति का उस पर हम बातचीत करेंगे, आपके क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने आपके क्षेत्र के लोगों से बातचीत की है, आपके क्षेत्र के बारे में, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, वो कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, इस पर उनके विचार हमारे सामने आए हैं, सुनते हैं हम ये विचार। आज मैं सिंगरौली विधानसभा में आने से आया और आम जनता के लिए जानने के लिए कि आपका विधायक कैसा हो। विधायक सिंगरौली का ऐसा हो कि जो सारे मुद्दों को समझता हो, और यहाँ तो ये है कि जो अधिकारी संवर्ग है वो विधायक को ही पढ़ा देते हैं, और सिंगरौली में एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो कि कलेक्टर एसपी और प्रशासनिक अधिकारी को बोले। सिंगरौली विधानसभा के विधायक को ऐसा होना चाहिए जो अपने स्वार्थ को न देखे, सिंगरौली जिले के विकास की ओर ध्यान दे। आज हमारा सिंगरौली जिला ही नहीं, हमारा देश जो है विकासशील देशों में गिनती गिना जा रहा है, और कुछ न कुछ कमियाँ रहती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से संतुष्ट है और पूरा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ अभाव है हमारे सिंगरौली जिले में। सिंगरौली का विधायक ऐसा होना चाहिए कि जैसे सिंगरौली में हमारे इस समय पर बहुत सी बेरोजगारी चल रही है, तो युवाओं को साथियों को हमारे रोजगार भी दिन दिया करा जाए। काम अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं कहीं जो है कि ये अच्छा व्यवस्था नहीं देखी जा रही है ना, कहीं कहीं वार्डों में पूरी व्यवस्था नहीं पा रही है, उसका जहाँ कम है बाकी है वहाँ पर करना चाहिए ना। जी साहब, आपने वहाँ आपके लोग क्षेत्र के लोगों की बातचीत सुनी, कुछ संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, फिलहाल ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप 15 साल से लगभग 3 बार के विधायक हैं, लगभग 15 साल हो गए आपको वहाँ के विधायक होते हुए, क्षेत्र के लोगों ने जिस विश्वास के साथ में आपको वहां पर विधायक बनाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि 100% आप उस विश्वास पर खड़े उतरे हैं? सिंगरौली विधानसभा का चुनाव 2008 में मैंने शुरुआत की और उसी वर्ष में सिंगरौली को जिला बनाने के माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जी। आज 15 साल हुए, कहने का मतलब कि तीसरी बार में 15 साल होने के बाद भी सिंगरौली कैसा था उस पर कल बैठक एक हुई थी कलेक्ट्रेट में जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगरौली एक जमाना था कि काला पानी के रूप में जाना जाता था, यह सत्य बात है जी। और आज जिन लोगों का संतुष्टि में मेरे सामने देखने को मिला, वो ऐसे लोग हैं कि जब उनका विकास, जहां से वो जन्म भूमि है वहां विकास गति हमें बता दें तो मैं मान लूंगा कि सिंगरौली में कोई विकास नहीं हुआ। सिंगरौली एक ऐसा है कि 62-63 में कोयला खदाने यहां से शुरुआत हुई जी, और पूरे देश के लोग यहां आके निवास करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और उनको अब स्थानीय लोगों को कष्ट होता है, वो खुद चाहते हैं कि सारे पद हमें मिल जाएं, इसी बात का विरोध है। और सिंगरौली में कहीं जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, ड्रामा सेंटर नहीं था, कन्या महाविद्यालय नहीं था, कॉलेज नहीं थे, सड़कें नहीं थे, आज पूरी तरह से सिंगरौली में एक एक जगह जाके आप परीक्षण कर सकते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी से जो हमने अपने हर पंचवर्षीय योजना में योजनाओं को लागू कराने का प्रयास किया है वह सामने है।
और मेडिकल कॉलेज, जी 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 बोलिए जी बोलिए, मेडिकल कॉलेज का काम निर्माण जोरों पर चल रहा है, माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज ये पहला इतिहास है, और सिंचाई का एक प्रोजेक्ट है रेहन माइक्रो सिंचाई जो 113 गांव को रबी फसल के लिए 38,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होगा, ऐसे काम प्रारंभ मंजूर हुए हैं। पोल पुलिया कई क्षेत्र में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सभी 5 किलोमीटर के दायरे में हमने कहा है, और अभी सीएम राइस इसको 35 करोड़ का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हवाई पट्टी भी निर्मित हो गया है, तो आने वाले समय में मैं जहां तक समझता हूं कि एक दो काम बाकी है, जैसे सिंगरौली को बाईपास रोड पर सरकार ने यह भी तय किया है कि इलाहाबाद से सिंगरौली एक हाईवे नेशनल हाईवे रोड बनेगा, विंध्य एक्सप्रेस वे भोपाल से सिंगरौली बनेगा, तो ये सब को कनेक्टिविटी आने वाले 5 साल के अंदर दिखेगा कि विकास सिंगरौली का किस रूप में है। जी, अभी तक जो हुआ है वो अंतर विधानसभाओं में आप देखेंगे, या जो लोग जहाँ की बात करते हैं वहां आप देख के पूछाइए कि कितने विकास आप लोग किए हैं, कितना सिंगरौली में विकास हुआ है। ये ऐतिहासिक है सिंगरौली का विकास कि 15 साल में आगे है। अब आपको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नल जल योजना गांव गांव, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अनेक तरह के ऐतिहासिक विकास के क्षण हैं। इसके बाद जो लोगों को नहीं मिला वही विरोध बाकी किसका है। और विश्व साहब जो है, आप देखिए 3 साल से वहां, 3 बार क्या विधायक है वहां पर, लगभग 15 साल हो गए आपको, तो निश्चित रूप से आम जनता को आप पर विश्वास है, तभी आपको बार बार चुनकर लेकर आती है। लेकिन एक सवाल जो मैं उठाना चाहता था, वो आपने भी उस बात का जिक्र किया कि सिंगरौली जो है वो कोल क्षेत्र में गढ़ माना जाता है, जब वहां पर वो गढ़ है तो निश्चित रूप से वहां के लोग ये चाहेंगे कि उन्हें रोजगार मिले। बेरोजगारी का मुद्दा आखिर लंबे समय से क्यों छाया हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि पद ठीक है, बड़े पद नहीं मिलना ठीक है, लेकिन बेरोजगारी होना तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपसे एक चीज बताना चाहूँ कि बेरोजगारी है, पर बेरोजगारी राज्यों के आके यहाँ की बेरोजगारी बढ़ा दिए है, यहाँ के जिसकी जी कोल फील्ड से जमीनें गई है ऐसे लोगों को तमाम रोजगार नौकरियां दी जा रही है, और वो भी कंपनियां जो है 25,000 वो ये ड्राइवर का देती है, इसलिए सब चाहते हैं कि हमको खेती के लिए, किसानी के लिए, व्यापार के लिए कोई भी बेरोजगार की बात नहीं करता, हमको 10,000 नहीं चाहिए, 25,000 की चाहिए, इसलिए बेरोजगारी। जी जी जी, आपका आपने क्या फिर ऐसे में आपने क्या इंटरफेयर किया, आपने क्या क्या संदेश दिया था कि आम आदमी के अंदर 5,000 लोग परमानेंट नौकरी करते हैं, यहाँ जमीन जिसके गए बेरोजगार थे, ऐसे तमाम लोगों को ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो इसलिए जाते हैं कि हर घर में ये बात सत्य है कि इंजीनियर पॉलिटेक्निक आईटीआई किए हुए है, और जब वैकेंसी निकलती है उसी दरमियान में उनको मौका मिल पाता है। और यही भर नहीं, एनसीएल एनटीपीसी पावर प्लांट है, रिलायंस पावर प्लांट, मैं आपको बताऊं विस्थापितों को रोजगार नहीं दिए कि आज की तारीख में 9,000 रुपए प्रति माह उनके खाते में जाता है, ऐसे 2,500 लोग हैं। अब कि इतिहासिक है किसके पहले जिन लोगों को और भी विधानसभाओं में प्रदेश के होंगे वहां पर देखेंगे क्या ये पेंशन लागू करा सके हैं कि नहीं। हम तो मानते उन्होंने कायम किया, और बड़े हम तो इस बात के हैं कि अपने जनता को स्थानीय निवासियों को देने का काम है। अब संतुष्ट नहीं होते अलग विषय है, पर आज भी कोई दूसरे प्रोजेक्ट में 9,000 रुपए महीने किसी खाते में नहीं आता, और ना वो काम ही करते, ऐसे लोगों खाते में पैसा जाता। बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर रहे हैं, बहरहाल ठीक है। एक और समस्या, बड़ी समस्या की और ध्यान, खैर आप तो वहां पर ध्यान क्या दिलवाएं, आप तो आपको पता ही है 15 साल से आप विधायक हैं वहां पर, कोल क्षेत्र है, लोगों को अभी तक पानी, मीठा पानी नहीं मिल पाया है पीने को, ये एक बड़ी समस्या लगता है आपको कि वहां के लोगों को एक प्राकृतिक पानी नहीं मिल रहा है, अभी भी बोरवेल के पानी से चल रहा है? कभी काम यहाँ से नल जल योजना का पूरे घर घर जाने के लिए काम चल रहा है, ये बात जरूर था पहले शुरू शुरू में
कि ये एक एरिया था, घरों की दूरी एक घर से दूसरे घर की दूरी 200 मीटर 400 मीटर 500 मीटर है, इसलिए एक घर है वो चाहता है कि हमको भी हैंड पंप लगे। और आप देखेंगे कि हम तो 3 पंचवर्षीय में तमाम लोगों घरों के पास 4 घर 5 घर 6 घर के बीच में सभी जगह हैंड पंप है। अब ये बात अलग है किसी का घर दूर है तो वो छूट गया है, उसके लिए भी प्रयास है कि लोगों को पानी मिले, उनके साथ हमारा पूरी तरह निष्ठा के साथ लगा हूं कि उनके भी घर को पानी मिले। कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनके घर पानी नहीं पहुंचाया, आपको अथवा तो आंकड़ा होगा? ऐसे हमको तो लगता है कि 25-50 लोग बचे होंगे, अपने विधानसभा में बात कर रहा हूं। जी जी जी, चलिए एक और समस्या वहां की, जो लोग जिस लोगों से बातचीत की उसके बाद समझ में आया कि चूंकि वहां पे मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की हैं, रानी अग्रवाल। ऋषि साहब एक बड़ा सवाल आपको लगता नहीं कि उठता है कि आपके होते हुए जब आप वहां से 3 बार विधायक हैं, वहां पर लगभग 15 साल हो गए हैं, उसके बाद भी लोगों ने मेयर के लिए आप पार्टी पर विश्वास जताया, रानी अग्रवाल को जिताया, क्या कारण था? आप भाजपा से विश्वास उठने का कारण क्या रहा? इसको बता रहे हैं कि चूंकि 3 पंचवर्षीय हो गया, आज जितने अलग राज्यों से आए व्यापार करने का, तब सबको ये लगता है कि हम भी विधायक बने, महापौर बने, क्योंकि कोल फील्ड होने के नाते, पावर प्लांट होने के नाते व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी, जिससे स्थानीय लोगों के आपस की लड़ाई के चलते इसका बेनिफिट उठाया, इसके चलते रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव जरूर जीती, पर आने वाले समय में जो वादा किया जनता से एक भी वचन पूरा आदि किए हों तो मुझे बताएंगे, बाकी विरोध करना लोकतंत्र का काम है, इसलिए सब विरोधी लोग काम है करना। ऋषि साहब एक सवाल जरूर उठ रहा है, आपने कहा कि जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं हो पाए, लेकिन रानी अग्रवाल का भी आरोप है कि जो बाजार बैठ के टैक्स है वो चाहती है कि माफ कर दें, लेकिन भाजपा नहीं चाहती है क्योंकि अगर वो टैक्स माफ कर देंगे तो मेयर की जीत हो जाएगी। भाजपा ने वादा किया है क्या? आपने वादा किया है आपने पूरा करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ जी। भाजपा वाले क्या हो, वादा आप किए तो आपको पूरा करना चाहिए, भाजपा के साथ हो है ही नहीं हो तो कैसे वादा पूरा कर। परिषद की बैठक में यदि शामिल नहीं किया जाएगा वो बिंदु तो कैसे डिस्कस होगा, कैसे उस पर आगे काम होगा, और वहां की जनता के लिए की कर रही है? आपने वादा किया तो हम क्यों जनता करेंगे, ये तो शासन का काम है कि आर्थिक जब आय नहीं आएगी तो आप व्यय कैसे करेंगे, ये बात पूछा गया था इसी बजट में नगर निगम के कि जब आय नहीं होगी तो आप व्यय कैसे करोगे, कैसे सड़क बनाओगे, कैसे पेयजल के काम करेंगे, कैसे विद्युत देंगे, कैसे कर्मचारियों का वेतन देंगे, कौन सा है आपके पास, क्या स्रोत है? लेकिन आपको लगता नहीं कि सिंगरौली की जनता जी बोलिए, क्या रानी अग्रवाल जी ने ही बजट पेश किया, उनके अधीन पॉलिसी है, उनके अधीन में सब कुछ है, इसके बाद भी उन्होंने जो बजट पढ़ा, मैं भी वहां बैठा था एक सदस्य के नाते में कुछ नहीं, तो जब उन्होंने ही खुद नहीं माफी करने की बात ले आई प्रस्ताव में तो फिर आगे मैं क्या बोलूं जी। आपको लगता है कि रानी अग्रवाल जी के आने के कारण आम जनता को नुकसान हुआ है क्योंकि भाजपा और आप पार्टी में विरोध है, आम जनता को जो है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है? भाई जितने लोग टिकट मांगते हैं जी भाजपा से और न पाने से किसी एक को ही टिकट तो किसी दल ने एक ही पार्टी को देती है जी, न मिलने के कारण कई लोगों ने विरोध किया है और रानी अग्रवाल के साथ हो गए, अंदर की बात है, इसके चलते उन्होंने जीती, ये सब बातें हैं जी। चलिए बहुत सारी बातें तो हम करते रहेंगे लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबसे करना चाह रहा हूँ, आपको लगभग 75 साल की आप लगभग शायद मैं माफी चाह रहा हूँ आपकी उम्र है और आपने बहुत लंबा अनुभव इस राजनीति में लिया है, राजनीति को लेकर आपके अब विचार क्या है क्योंकि एक लंबा समय आपने राजनीति को दिया है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, आपको लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और क्योंकि युवा अभी डरता है राजनीति में आने में, जब नेता की बात की जाती है राजनीति की बात की जाती है तो अच्छे भाव नहीं उभर कर सामने आते, तो आप जनता को या युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि ये हर पार्टियां का एक अपना विजन है,
और वो समय समय पर निर्णय लेगा कि हमको किसके चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना, कौन काम खिल रहा है, चरित्र कैसा है। मैं तो आज एक भी बात कहता हूं कि कोई भ्रष्टाचार का ही कारो बता दे, कोई पब्लिक कह दे कि आपने 10 रुपया लिया है। इसके अलावा क्षेत्र के जनता के शाम से सवेरे तक कार में लगा रहता हूं। इसके बाद पार्टी करेंगे कि आपको टिकट देंगे नहीं तब भी अच्छा है, देंगे तब भी अच्छा है, और जिस युवा को देंगे उससे भी अच्छा है। जी, राजनीति में कोई बदलाव आया है आज से 20 साल पहले और अभी की राजनीति में? काफी बदलाव आया है जी, पर में फैसला तो संगठन को ही करना है। जिस पार्टी का, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि हाँ आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है। अच्छी बात है जो तय स्वीकार है। 4 महीने बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में, क्या लगता है भाजपा के अंतरकलह भी समझ में आ रहा है? कांग्रेस में हालांकि अंतरकलह है इसे, लेकिन भाजपा में भी उभर का सामने आ रहा है, आपको लगता है कांग्रेस इस पर टक्कर देगी कड़ी? ऐसा है कि टक्कर तो प्रजातंत्र में जब चुनाव 2 पार्टियां 3 पार्टियां लड़ती है तो रहता है, पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम गरीब कल्याण के लिए, सुशासन और न्याय के प्रति जो कार्य हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के जो कदम उठा है, राष्ट्रीय स्तर में भी अपने प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल के अंदर छवि बनाई, देश विदेश के लोगों में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, ऐसे स्थिति में मुझे जो लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह के नेतृत्व में जरूर सरकार बनेगी आने वाला समय में, ऐसा मुझे विश्वास है। रामलू जी, आपसे बातचीत हुई और आपके राजनीतिक अनुभव पर भी बातचीत हुई और आपके क्षेत्र के बारे में बातचीत हुई, लेकिन इतना तय है कि जो असंतुष्ट लोग हैं उन पर उनकी आवाज भी आप तक पहुंचनी चाहिए, उनकी आवाज को भी मुखर आपको करना चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।